देखिए, ये मुस्लिम वर्ग जो है या इनकी महिलाएं काम करती हैं घरों में, और ये दिन भर इनके लड़के और ये जो है गलियों में घूमते हैं और महिलाओं की कमाई खाते हैं और हिंदुओं का कहीं ना कहीं संबंध बनाकर या जो है उनको बहला फुसला कर और उनको भगाते हैं। माननीय योगी जी ने जो इस पर जो है लव जिहाद पे काफ़ी जो है सख्ती बरती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कुछ लापरवाही कारण मुंशीपुरा में घटना घटी है। तीन घटनाएं भदेसरा, मुंशीपुरा और शहादतपुरा, तीनों में जो मुस्लिम लड़के हैं लड़कियों को बहला फुसला कर जो है भगाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और कहीं ना कहीं कोई बहुत हत्याएं भी हो रही है, घटने भी हो रही है। जबरन धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कराया जाए भाई। अब जब जाएगी 50 लड़कों के बीच में रहेगी, 50 लोगों के बीच में, तो धर्म परिवर्तन कराया जाए और इस पर सख्त है। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं योगी जी के इस कार्यक्रम में जो है बाधा पहुँचाने का काम करे, अगर निष्पक्षता से काम करती और इसमें जो बालिक और नाबालिग का लफड़ा है हिंदू, ये इसको समाप्त होना चाहिए। इसके कारण जो है काफ़ी मतलब कि कुठाराघात हो रहा है हिंदू लड़कियों के साथ, जो है मुस्लिमों जो है कानून का सहारा लेते हैं और लड़कियों को बरगला कर दबाव कर वो कहते हैं कि नहीं हम रहेंगे तो इनके साथ रहेंगे। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चाहे बालिक हो चाहे नाबालिग हो, अगर मुसलमान अगर जबरदस्ती हिंदू लड़की को ले जाकर भगा कर उसका धर्म परिवर्तन करता है और उसके साथ रखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जब तक उसके पूरे परिवार पर उसके खिलाफ बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक ये घटनाएं जो है घटती रहेगी, हिंदू धर्म के साथ अपमान होता रहेगा। क्या लगता है प्रशासनिक विफलता है? हाँ, कहीं ना कहीं हम तो खुद प्रयासरत हैं, लेकिन एफ आई आर दर्ज नहीं किया गया और उसी तरह भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन घाल मेल करने के चक्कर में यह दबाव, मतलब कि योगी जी का जो कार्यक्रम है महायज्ञ है, जो एक मतलब कि व्रत उठाए हैं कि जो लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को जो मुसलमान बरगला के जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनके साथ गलत कार्य कर रहे हैं, उसको रोका जाए। लेकिन रोकने में उनके कार्यक्रम में कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी दोष है।